बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद तैमूर मुजाहिद है और आप देख रहे हैं ट्रेवल विद मी। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि भाई हम किस तरह यूरोपा सीवी बना सकते हैं, आप इस पर कोई वीडियो बना दें। तो दोस्तों, आज मैं इसीलिए आज वीडियो बनाने लगा हूँ, यूरोपा हम सीवी किस तरह बना सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखें ताकि कोई आप स्टेप मिस ना कर सकें। और वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई से नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो दोस्तों ये हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए। हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, तो आपने सर्च करना है यूरोपास सीवी। इस तरह ओपन होगा, ये इसकी वेबसाइट है europa.eu। क्रिएटर्स यूरोपा सीवी पे क्लिक करेंगे हम लोग, लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे सिंपली। उसके बाद वो पूछ रहा है अगर आपने लॉगिन करना है दोस्तों, इधर आपने अपना ईमेल देना है और OTP वगैरह आएगा, फिर आप इसको ओपन कर सके। हमने न्यू अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों कह रहे कि अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, और ईमेल को कंफर्म करें, और लैंग्वेज आपकी कौन सी है। इनमें काफ़ी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं यूरोप की, तो हम लोग इसमें अपना बायोडाटा लिखेंगे। जी, तो दोस्तों मैंने अपना बायोडाटा लिख लिया, तो हम लोग करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक। वी आर स्टोरिंग योर रिक्वेस्ट, दिस कैन टेक अप टू 60 सेकेंड्स। तो दोस्तों ये उन्होंने कहा जी नियरली डन, उन्होंने कहा जी हमने आपको एक ईमेल भेजी है, तो आपको ईमेल दिखाते हैं। आप क्या आइए हमें ईमेल। जी, तो दोस्तों ये हमें सीवी आई हुई है योर पासवर्ड के लिए। हाँ, ये देखें, तो हम इसको अब ओपन लिंक करते हैं। ये कहते जी अपना पासवर्ड दें, मैं अब पासवर्ड एंटर करता हूँ इसमें, जो मुझे रखना है इजीली याद हो मुझे। जी, तो दोस्तों मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, मैं सबमिट करूंगा इसको अब। तो उन्होंने कह दिया जी योर EU पासवर्ड वाज सक्सेसफुली चेंज, अब मैं प्रोसीड करूंगा इसको। जी, तो दोस्तों ये लॉगिन हो गया हमारा अकाउंट, ये भी लोड हो रहा है। इसको हमने नो कर देना है। जी, वेलकम टू यूरोपास। आप अपलोड भी अपनी सीवी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर कि आप क्रिएट माई प्रोफाइल करें। इसमें आपने अपना बायोडाटा देना जी, इंग्लिश में, इंग्लिश यानी कि आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी, कौन सी लैंग्वेज में आपको सीवी चाहिए। काफ़ी सारी लैंग्वेज है यूरोप की, ये रशियन, नीदरलैंड की, फ्रेंच, डच, इटालियन, काफ़ी लैंग्वेजेस हैं। तो हम लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। डेट का पैटर्न आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, जो स्टैंडर्ड डेट का पैटर्न ये आपने सेलेक्ट करना है। इसमें आपने फर्स्ट नेम लिखना अपना, इधर लास्ट नेम लिखना है। तो मैं ये फिल करके आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट आपने क्या क्या लिखना है। इसमें आपने अपनी नेशनलिटी लिखनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये चीज़ें फर्स्ट हमने स्टेप पे लिखनी है। मैं आपको ये फिल करके दिखाता हूँ। जी, तो दोस्तों ये मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ बायोडाटा लिखा है आपके लिए, ठीक है। इस तरह आपने फिल आउट करना है, ये जैसे जैसे लिखा आपने इस तरह अपना ईमेल लिखना है, इधर मोबाइल नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री का अपने एड्रेस लिख देना। तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप। जी, तो दोस्तों नेक्स्ट आया जी आपका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस क्या है। इधर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखा, आप कौन सी पोजीशन पे काम करते रहे। मैं लिखूंगा इधर वेटर, तो इधर वेटर की काफ़ी सारी आ जाएंगी जी, वेटर, हेड वेटर, कॉफ़ी टेस्टर, स्क्रिप्ट राइटर, सेरेमिक पेंटर, काफ़ी ऑप्शन आती हैं। आप जो भी लिखेंगे प्रोफेशन वो आ जाएगी। मैं वेटर को सिलेक्ट करता हूँ। वेटर में पूछ रहा जी इसमें कोई यानी कि अल्टरनेट कोई आपके पास है, इसमें ड्यूटीज़ भी बताई हुई है जी, जो डिस्क्रिप्शन है जॉब का। वेटर सप्लाई करता है खाने पीने की चीज़ें गेस्ट को, जो उसको मिलता है टास्क वगैरह वो अपना यानी कि करता है, फूड सर्विंग वगैरह के लिए, बेवरेजेस के लिए, जो आपका एक्सपीरियंस है आपने वो इधर लिख देना है। अभी देखे मैंने किया ना, इधर आया जी वेट स्टाफ, शेफ दी रैंक, वेटरस, इवेंट सर्वर, वेटिंग स्टाफ, वेटर, टेबल वेटर। हम करेंगे जी टेबल वेटर का। आपको जो एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या सऊदी या दुबई में, वो आपने लिखना है, सिटी लिखना है, कंट्री लिखना है।
और कब से काम कर रहे हैं, अगर काम कर लिया हुआ है तो आपने डेट एंडिंग लिख देनी, अगर कर रहे हैं तो आपने ऑन गोइंग लिख देना है। नीचे आपने लिखनी है अपनी ड्यूटीज, जो आप ड्यूटीज करते रहे उनके पास, और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको ये फिल आउट करके दिखाता हूँ कि किस तरह होगा ये सारा। जी तो दोस्तों नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या स्टडी किया हुआ है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया हो तो आप मिडिल लिख दें या प्राइमरी लिखते हैं हम लोग, प्राइमरी लिख दें आप लोग इधर, अपने स्कूल का नाम वगैरह लिख दें इधर, अगर वेबसाइट है वेबसाइट दे दें, नहीं है तो कुछ भी ना दें, सिटी सेलेक्ट करें, कंट्री सेलेक्ट करें, जो भी आपने स्टडी की है, कब से लेके कब तक स्टडी की है। मैट्रिक का अगर आपने BA BSc की हुई है तो आप यानी कि इस तरह और एजुकेशन ना ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको फर्जी तौर पे फिल आउट करके दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों हमने वो फिल आउट करने के बाद वो पूछे जी आपकी पर्सनल स्किल्स क्या है। अब मदर टंग पूछ रहा है, मैं पंजाबी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी पंजाबी, ठीक है। उसके बाद अदर लैंग्वेजेस में आप इंग्लिश कर लें सिलेक्ट, इंग्लिश सेलेक्ट कर लें आपने। उसके बाद देना जी इधर आप लिसनिंग कितने कर सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, प्रोफिशिएंस कर सकते हैं, तो आप इसको करेंगे बेसिक। अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा, इंग्लिश स्किल आपकी अच्छी नहीं है, रीडिंग भी आप बेसिक कर सकते हैं, राइटिंग भी अगर आपको आती है तो, अगर नहीं आती तो फिर आप ये वाला करेंगे जी, आई कैन राइट अ शॉर्ट सिंपल पोस्ट कार्ड फॉर एग्जाम्पल सेंडिंग हॉलीडे ग्रीटिंग, आई कैन फिल इन फॉर्म्स विद डिटेल विद पर्सनल डिटेल्स फॉर एग्जाम्पल एंटरिंग माई नेम नेशनलिटी एंड एड्रेस ऑन अ होटल रजिस्टर फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश किस कैटेगरी लेवल की। अगर आपने मजीद लैंग्वेज ऐड करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे उर्दू है, हिंदी है, अरेबिक है, इस तरह की काफ़ी सारी आप लैंग्वेजेज ऐड कर सकते हैं। अब उसमें आपसे डिजिटल स्किल पूछ रहे हैं जी, आपकी कौन कौन सी डिजिटल स्किल है, आपको कौन कौन सी आती है जो आप डिजिटल करते हैं। अब सोशल मीडिया की आपको आती है, आप ये ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी एडिट की हुई उन्होंने। अब जैसे डिजिटल स्किल है सोशल, ये देखिए सोशल मीडिया इंक्लूडिंग फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर, जो आपको डिजिटल स्किल आती है वो आप ऐड कर दें। ये मैंने ऐड कर दी तो ये ऐड हो गई है सर। काफ़ी सारी स्किल आप कर सकते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड या कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड, या इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, ठीक है। तो हम अब करेंगे क्रिएट जी। तो दोस्तों ये हमारी प्रोफाइल बन गई है, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम निकालेंगे अपनी CV। अगर आपने फ़ोटो वगैरह लगानी है यहाँ से आप एडिट करके फ़ोटो वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मैंने तो एग्जांपल के तौर पे बनाई थी ये वीडियो, तो मैं फ़ोटो वगैरह लगा के दिखाता हूँ आपको किस तरह आती फ़ोटो जी। तो दोस्तों ये मैंने पिक्चर एक लगाई है एज अ एग्जाम्पल, तो इस तरह आपने पिक्चर लगानी है। तो दोस्तों आपने अपनी पिक्चर प्रोफेशनल लेवल की लगानी, ये नहीं कि आपने कोई भी मुंह उठा के पिक्चर लगा देनी है। डिटेल्स भी जो आपने देनी है वो टू दी पॉइंट देनी, कोई उसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना। तो अब हम बनाते हैं जी अपनी CV, क्रिएट योर CV नाउ। ये देखो जी स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल, इस पर हमने क्लिक करना है। वो कहते जी आपने कौन कौन सी डिटेल्स सेलेक्ट करनी है, जो हमने डिटेल्स लिखी थी पहले वही यहाँ पे आपको शो कर, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए तो मैं मार्क करता जाऊँगा। अब जैसे कि आप कहते जी मैंने ये मार्क नहीं करना तो मैं ये हटा दूंगा, ये देखें मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अगर आपने कोई एडिटिंग चीज़ करनी है CV बनाने से पहले तो आप यस कर सकते हैं, अगर आपने नहीं करनी तो आप नो थैंक्स करेंगे। अब पूछे जी आपको कौन से पैटर्न में CV चाहिए, इस पैटर्न में, इस पैटर्न में, इस पैटर्न में। तो यूजुअली दोस्तों इस पैटर्न में चलती है CV, तो हम इस कलर में सेलेक्ट करेंगे। और ये आप कलर भी देख सकते हैं CV का, तो हम ब्लू सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी CV इस तरह की बनेगी, ये CV ये देख सकते हैं आप। तो मैं नेक्स्ट करूँगा इसको।
जी तो दोस्तों नेम पूछ रहा जी आपने सीवी का क्या रखना है, मैं ABC लिख देता हूँ एज अ एग्जाम्पल के तौर पे। डाउनलोड पे क्लिक करना आपने, तो दोस्तों ये हमारी सीवी बन गई है, यूरोपास सीवी जो है। ये देखिए यूरोपियन यूनियन का फ्लैग भी लगा हुआ है। दोस्तों ये यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीवी है, ये आप बनाएं, इंशाल्लाह आप जॉब अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जो दूसरी सीवी है वो अनप्रोफेशनल है, ये सीवी प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ होती है। तो दोस्तों ये सीवी आप बनाया करें, इसी से आप इंशाल्लाह यूरोप अप्लाई करें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कीप सपोर्टिंग मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।